हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी डिलीशियस चना मसाला की रेसिपी। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चने को हम ओवरनाइट सोक कर लेंगे। उसके बाद इसको कुकर में डालकर इसमें एक चम्मच नमक ऐड करके इसको चार विसल आने तक हम बॉईल कर लेंगे। अगर आपके चने ज़्यादा पुराने हैं तो आप इसको 6 सीटी आने तक बॉईल कर लेना, बट ध्यान रखना कि इसमें जो है ये चने घुलने नहीं चाहिए, इस तरह से खड़े खड़े रहने चाहिए, पर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए इस तरह से। अब हम पैन में तेल चढ़ाएंगे और इसमें जब तेल गर्म हो जाए तो हींग ऐड कर देंगे और कुछ खड़े मसाले जैसे लाल मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 4 से 5 हम इसमें काली मिर्च ऐड करके इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इस स्टेज पर हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा को भी अच्छे से हम चटका लेंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाए तो हम 2 बड़े प्याज को चॉप कटिंग करके इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये देखिए, हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। अब इस पे हम 2 बड़े बड़े टमाटर को मिक्सी में पीस कर ऐड कर लेंगे और इसी स्टेज पर हरी मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसको भी हमने तब तक भूनना है जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। अब ये देखिए, इसमें से ऑयल रिलीज होने लग गया है, इट मीन्स ये हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। अब इस स्टेज पर 1/2 चम्मच हम आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करके इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जो चने का पानी था वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। अब ढककर पका लेंगे। अब देखिए, इसमें से ऑयल रिलीज होने लग गया है। अब जो हमने बॉयल चने किए थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे। अब जो हमारे चने का पानी था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 से 6 कड़छी आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे 10 मिनट के लिए ताकि मसाले जो हैं अच्छे से चने में रिच जाएं। अब ये देखिए, इसको हम ढककर बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब ये देखिए, 10 मिनट के बाद हमारे चने जो हैं बनकर बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। इस स्टेज पर आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे और इसको हम अदरक से गार्निश कर लेंगे और कुछ प्याज लच्छे के हम काट लेंगे और इसको भी हम इस तरह से रख कर गार्निश कर लेंगे। अब ये देखिए, हमारे टेस्टी से चना मसाला बनकर रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।